नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम BA प्रथम वर्ष में जो भूगोल का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा परिचयात्मक जानकारी लेंगे। पहला पेपर जो है भौतिक भूगोल या जिसको फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, उसमें 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट में जो इसका विभाजन किया गया है उसमें से 3 यूनिट जो हैं, पहली 3 यूनिट वो है जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ी हुई, मतलब स्थल मंडल से, और उसके बारे में सारी जो जानकारी है वो उसमें शामिल है और उसका हम अध्ययन करेंगे। चौथी यूनिट जो है वो वायुमंडल से जुड़ी हुई है। पाँचवीं जो यूनिट है वो सागरों या जल मंडल से जुड़ी हुई है। पहली यूनिट जो है उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, पृथ्वी की समस्थिति की जो संकल्पना है कि पृथ्वी पर संतुलन कैसे रहता है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं खाइयां हैं, मैदान हैं, पठार हैं, तो एक पठार या मैदानी इलाके में और एक पहाड़ इलाके में कैसे संतुलन रहते हैं। उसके बाद में पृथ्वी के अंदर की जो भू हलचलें हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके अंतर्गत भ्रंश और वलन, ये दो प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की हलचलों से, आंतरिक हलचलों से उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में जानेंगे, उनके प्रकार के बारे में जानेंगे, चट्टाने और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रथम इकाई में इसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरी इकाई में हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, उसका वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार से है, उसके क्या कारण हैं और कितने कैसे कैसे प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वो भूकंप क्यों होते हैं, भूकंप को किस तरीके से मापा जाता है, भूकंप से संबंधित जो भी जानकारी हैं, भूकंप के जो वितरण है पृथ्वी के ऊपर वो किस प्रकार से हैं और भूकंप के कारण क्या हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। दूसरी इकाई में ही हम जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जो मुख्य प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जिसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झीलें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तीसरी इकाई में हम अपरदन और अपक्षय इनके बारे में जानेंगे। अपक्षय और अपरदन दोनों मिलाकर अनाच्छादन बनता है, तो ये पूरा क्या होता है, अपक्षय क्या है, अपक्षय क्या है, अनाच्छादन क्या है और अपरदन क्या है, इनमें क्या अंतर है, अपरदन का जो सामान्य चक्र है वो क्या होता है और ये अपरदन करने वाली कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से दो शक्तियाँ हैं, उनके बीच का जो संतुलन है, उनके बीच की जो अंतःक्रियाएँ हैं उसके अनुसार ही पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और नष्ट भी होती हैं। तो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनमें भूकंप आ जाएंगे, ज्वालामुखी आ जाएंगे, और बाह्य शक्तियाँ हैं जिनमें नदियाँ हैं, हिमनद हैं और भूगर्भीय जल हैं, पवन हैं इनके। तो ये जो बाह्य शक्तियाँ हैं, नदियाँ हैं, हिमनद हैं, भूगर्भीय जल हैं, पवन हैं, इनके कार्यों का, इनके अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक डिपोजिशन वाले जो कार्य हैं, जिनके ये अपरदन करके क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनाते हैं और निक्षेप करके अपने जमावों को एक जगह संगठित करके क्या क्या स्थलाकृतियाँ निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल का संगठन और संघन, इसका संगठन क्या है, किन किन चीज़ों से बनी है ये और इनका संगठन कैसा है, ये किन परतों में इसको विभाजन किया जाता है, इस परत के अनुसार इसका किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे और इसकी जो संरचना है वो। फिर हम इसमें पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है
सौर ऊर्जा, सौर ताप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो सौर ताप हैं उसका वितरण किस प्रकार का है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और पृथ्वी के ऊपर तापमान की क्या स्थिति है, तापमान का वितरण किस प्रकार से है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पृथ्वी के ऊपर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वायुदाब का क्या महत्व है, और पवन से वो किस तरीके से जुड़ी हुई है। फिर पृथ्वी के ऊपर आर्द्रता या नमी, उसका क्या महत्व है वायुमंडल में, और वह वर्षण से कैसे जुड़ी हुई है, वर्षण वर्षा हिमपात में क्या अंतर हैं। चक्रवात के बारे में भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये चौथी इकाई जो है उसमें वायुमंडल का पूर्ण अध्ययन किया जाएगा। पांचवी इकाई में हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल में हम सागर के सागरीय जल जो हैं उसका तापमान, उसका वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सागर की लवणता, उसके अंदर नमक लवणता जो है वो कितनी है, और उसका वितरण किस प्रकार से है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सागर के अंदर जो निक्षेप हैं कौन कौन सी, जो उसके अंदर जमाव हैं, उसके जो संपदा है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर सागरों की बनावट, जो विभिन्न महासागर हैं उनके स्थल उसके अंदर की बनावट कैसी है, आंतरिक बनावट कैसी है, वो पढ़ेंगे। फिर ज्वार और जल धाराओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें हम ये पांच इकाइयां हैं, और उनमें का अलग अलग जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, या कहें तो पृथ्वी, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। फिर दूसरा पेपर आता है जो कि है भारत का भूगोल। इसमें भी पांच इकाइयां हैं। पहली इकाई में हम जो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको किस तरीके से भौतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसके जो भौगोलिक विभाजन है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रमुखतः चार विभाजन हैं, चाहे उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो महान मैदानी क्षेत्र, अलग अलग मैदानों नदियों के मैदान हैं, सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके कुछ आता है, प्रमुखतः यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं इन दोनों नदियों का बनाया हुआ ये मैदानी क्षेत्र हैं। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो हमें पठारी प्रदेश के अध्ययन करना पड़ेगा। फिर दोनों ही तटीय तटों पर, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर तटीय मैदानों का अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके बाद में एक और यदि हम पढ़ें तो जो द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर इसमें हम पहली इकाई में जो अपवाह प्रणाली है, जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन सी नदियाँ हैं उनका क्या प्रवाह क्षेत्र है, कौन जो अपवाह प्रणाली है, प्रवाह प्रणाली है नदियों की भारत के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, जलवायु भारत को जलवायु के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जो मृदा है, मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसका फैलाव किन किन क्षेत्रों में है, क्यों है वहाँ पर, उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। फिर भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका अध्ययन किया जाएगा, उसका वितरण कैसा है और कितने विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर जंगल में वन संसाधन जो है, जंगल में पाए जाते हैं वाले संसाधन, उनकी जो संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या नीतियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये सभी प्रथम इकाई में पढ़ा जाएगा। दूसरी इकाई में हम भारत के जो खनिज तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें प्रमुखतः लोह अयस्क,
मैंगनीज माइका के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर जो शक्ति संसाधन हैं, पावर रिसोर्सेज, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो और चाहे वो जल विद्युत हो, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर प्रमुख जो उद्योग हैं उसमें लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज और लुगदी उद्योग, इन सभी का अध्ययन दूसरी इकाई में किया जाएगा। तो दूसरी इकाई में हम खनिज उद्योग और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी इकाई जो है वो खेती से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तीसरी इकाई में हम कृषि, जो भारतीय कृषि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं और प्रमुख जो भारतीय फसलें हैं उसमें प्रमुख गेहूं, चावल, गन्ना, चाय और कपास, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो सिंचाई के अलग अलग साधन हैं उनका जो वितरण है और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें प्रमुखतः भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी परियोजना, इन दोनों का अध्ययन किया जाएगा। तीसरी इकाई जो है वो कृषि और कृषि सिंचाई और फसलें उनसे संबंधित हैं। चौथी इकाई जो है वो जन संसाधन या जनसंख्या से संबंधित हैं। तो भारत के अंदर जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हुई, उसका वितरण किस प्रकार से है और उसका घनत्व, जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है और क्या कारण है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व उच्च है और कहीं पर कम है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर यातायात के साधनों में हम रेल साधन, रोड के साधन और पानी के अंदर के साधन और हवाई साधन, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर भारत की जो व्यापार हैं, विदेशी व्यापार, उसका विदेशी व्यापार में किन चीज़ों की प्रमुखता है, कौन सी चीज़ें हम आयात करते हैं, कौन सी चीज़ों का निर्यात करते हैं और किन देशों के साथ में, किन क्षेत्रों के साथ में हमारा व्यापार ज़्यादा है, किसके साथ में कम है और किन किन क्षेत्रों में साथ में हमारा व्यापार किस प्रकार से है, उसका परसेंटेज क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर पांचवी इकाई जो है वह भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय, उनका क्षेत्रीय अध्ययन किया जाएगा। तो उसमें हम क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत कश्मीर घाटी का अध्ययन करेंगे। फिर छोटा नागपुर पठार का अध्ययन किया जाएगा। फिर मालाबार जो तटीय मैदान है उसका अध्ययन किया जाएगा और मध्य गंगा का मैदान है उसका अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से जो चारों भौगोलिक विभाजन है भारत के, उनके हर एक का एक एक अध्ययन किया जाएगा। कश्मीर घाटी जो है वो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं, छोटा नागपुर पठार पर्वत प्रायद्वीपीय पठारी भाग से संबंधित है, मालाबार जो है तटीय मैदान से संबंधित हैं और मिडल गंगा मैदान या मध्य गंगा मैदान जो हैं वो महान मैदानी प्रदेश से संबंधित हैं। इस प्रकार से भारत भूगोल के अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे। और पांचवी जो इकाई है, जो तीसरा जो पेपर है वो है प्रायोगिक भूगोल का। उस प्रायोगिक भूगोल में चार इकाइयां हैं और उसमें पहला जो है वो मापनी है। मापनी में सरल मापनी है, तुलनात्मक मापनी है, समय मापनी है और विकर्ण मापनी है कि हम किस तरीके से कोई चीज़ जो है, किस एक पैमाना लेते हैं, उस पैमाने के आधार पर हम मानचित्रों का निर्माण करते हैं। तो वो पैमाना जो है उसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो पैमाने हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी जो इकाई है उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मौसमी उपकरण हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तीसरी इकाई में विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ हैं वो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथा जो है वो चैन एंड टैप सर्वे हैं, उसके बारे में हम, जरी फीता सर्वेक्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रथम वर्ष में भूगोल का जो सिलेबस है, दो तीनों पेपर्स का,
वो हमने आज डिस्कस किया।